हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे जो 2022-23 बैच MSTCET का जो कट ऑफ है वो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वेट करो थोड़ा। तो आप लोग अपने कॉलेज ज़रूर बताइए मुझे, आपको कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है। यस, जल्दी जल्दी बताओ, मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करता हूँ कुछ ही देर में। ठीक है, मुझे बताते रहिए आप लोग। तो सभी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कर लीजिए मेरा। एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा जो है इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा। एक मिनट। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, चलो सब स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो उसका जो है अलॉटमेंट दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या अलॉटमेंट है, कितना सीट। देखो सिविल इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है मैंने इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई कितना कट ऑफ हाई है इस बार का। ये जो है सिविल का सबसे कम कट ऑफ है, तो सिविल के जो है सबसे मतलब यार सभी को अच्छे अच्छे मिल रहे हैं ब्रांचेस, सॉरी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं सीएस वाला सिविल वालों को। तो सिविल वालों को देखो 85-87 पे भी मिल रहा है सिविल, और ये गवर्नमेंट अमरावती में मिल रहा है यहाँ पे 83 वालों को भी मिला है सिविल यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चों को मतलब सिविल कम परसेंटाइल पे भी मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, 79-70 बहुत बच्चों को। ठीक है, अभी हम आते हैं नीचे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितने कम परसेंटाइल पे भी बच्चों को मिला है सिविल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच सिविल EWS, 6 सीट हैं EWS के, वो भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से सिविल के 3 जो है कैप सीट है ये 3, और ये TFWS की सीट्स है। TFWS का कट ऑफ ज़्यादा गया है थोड़ा, लेकिन हमारी जो ब्रांच है मेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चलो वो भाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख लो आप लोग। पहली जो सीट मिली है वो OBC कैंडिडेट है, सीट टाइप है जेंट्स ओपन, 98.86, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 98.86 परसेंटाइल। उसके बाद नेक्स्ट 98.84 परसेंटाइल वन खड़े हर्षिका, 98.82 अग्रवाल अमन, ये है 98-97 परसेंटाइल। तो कट ऑफ आप लोग देखो भाई, मतलब अच्छा खासा है। CS के लिए हम देखना चाहते हैं कि एंडिंग की सीट किसको मिली है, तो OBC को जो है यहाँ पे 96 पे मिल रहा है। और नीचे जाते हैं थोड़ा, एक और है OBC, 96.19 पे मिला है धनदेश श्रीजीत, और लेडीज़ में 96.19052 सेम ही नियर अबाउट। SC का कैंडिडेट था उसको 95 पे मिल रही है सीट फीमेल की, और मेल की भी सेम ही आ रहा है नियर अबाउट। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो इधर SC का 95 पे मिल रहा है, बाकी जो ब्रांच बाकी वालों को तो कम ही है, थोड़ा सा कम हो गया। फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा कम रहता है। चलो 60 सीट्स हो गए यहाँ पे। CS का बता दिया मैंने आप लोगों को। अब जो EWS है इसमें 6 सीट आती है, ठीक है, तो EWS का जो कट ऑफ आप देख सकते हो 98-97-95, तो इधर भी ज़्यादा ही आ रहा है।
आप लोग बताइए आप लोग कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है जल्दी बताइए। कंप्यूटर साइंस के जो TFWS वाले हैं 98, 97, 97.31। आईटी का देखो आप लोग, आईटी के जो है मेरिट रैंक जो है मेरिट नंबर 7076 7000 का है। तो उनको पहला बालपांडे, नीरज, लाम्बर्ट, प्रज्वाल, तो ये जो नाम दिए हैं और उनके सीट्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दूँ क्या, वेट करो, और जूम कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। ये कैंडिडेट्स हैं, वेट करो। और ये 95 परसेंटाइल का जो रेंज आ रहा है यहाँ पे, ये है अपने कौन से ब्रांच का है, ये ब्रांच है अपनी आईटी, GCOE ए, गवर्नमेंट अमरावती इंजीनियरिंग। अब ये जो बच्चे के दिख रहे हैं आपको ना 88 वगैरह, तो ये NT वाले कैंडिडेट्स है, और कुछ डिफेंस वाले हैं तो इनके कम रहते हैं तो भी लग जाता है। दूसरी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 4 6 सीट रहते हैं EWS के, और 3 सीट रहते हैं इनके TFWS के। IT देखो, IT के 3 सीट है, 95, 97, 96। उसके बाद ENTC का चेक कर लेते हम, इलेक्ट्रिकल का आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का कम ही आ रहा है, 93.75। OBC 91.33, 91, तो कम है भाई, इधर तो आराम से मिल जाता था बहुत सारे बच्चों को, इसका कम आ रहा है, ठीक है। 86.87 इंगोले वेदांती OBC, 86 पे मिल रहा है इधर, 86 परसेंटाइल पे मेल OBC जेंट्स, वेट करो थोड़ा। हाँ तो इधर मिल रहा है, कम पे भी मिल रहा था, 85 पे भी। इसके बाद ये जो है नीचे टोटल 60 में से 2 सीट वैकेंट है, और कुछ सीट दिखा देता हूँ आप लोगों को। EWS के 6 हैं, और लास्ट में इसके इलेक्ट्रिकल के 3 सीट TFWS की। तो TFWS में 95, 92, 89 दिखा रहा है, अथर्व कामड़े, गुड इवनिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 96.119, पहला कैंडिडेट पीसेस श्रावणी 94, उसके बाद 94। तो देखो मतलब इसका भी अच्छा है, ENTC का जो कट ऑफ है अच्छा है यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों ने ENTC प्रेफर किया है ब्रांच। तो भाई मतलब ठीक है, ये मिला तो भी, ENTC मिला तो भी अच्छा ही है। कॉलेज में बता रहा मैं आप लोगों को, कॉलेज वाइज अलॉटमेंट लिस्ट है ये। आपको कौन सा कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट चाहिए आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्या मिली है, कौन सी ब्रांच आपको, और क्या आपने लेना चाहिए या नहीं, या नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इसके बाद 36 इंस्ट्रूमेंटेशन, 88.13, 83.44, 81, 77.94 है इधर, 74.20, 74.20 तो ये कम है। इधर जो है कम आ रहा है यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। TC सीट रहती है, उसमें से 4 खाली है यहाँ पे। तो OBC का 70.72 पे जा रहा है कट ऑफ। उसके बाद कोई ब्रांच बची है यहाँ पे,
ये TFWS के 2 सीट। मैकेनिकल का देखो 94-92, मैकेनिकल का वैसे भी कम ही है। निदान 79 पे भी मिल रहा है, 78 पे भी मिल रहा है, तो मैकेनिकल का इतना कुछ क्रेज है नहीं अभी। मैकेनिकल बच्चे लेते नहीं हैं, तो मैकेनिकल में आप देख सकते हो बहुत कम परसेंटेज पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। चलो तो भाई, तो ये यहाँ पे हम ये गवर्नमेंट कॉलेज का जो है ये बंद कर देंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। मुझे बुल्ढाना कॉलेज मिला नीलेश अम्बेडकर अम्बेकर बुल्ढाना कॉलेज में कॉलेज मिल अभी मुझे नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड करो, नेक्स्ट राउंड करो, नेक्स्ट राउंड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो और कौन सा कॉलेज चाहिए बताओ जल्दी जल्दी। आप लोगों को कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज का चेक करना है बताओ जल्दी जल्दी बताओ। मैं यहाँ पे कॉलेज आपको मतलब लेके चलता हूँ वो कॉलेज का कट ऑफ दिखाने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से कॉलेज में कॉलेज का आपको चेक करना है लिस्ट। COAP का दिखा दो, ICT गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रत्नागिरी है यहाँ पे, भारती विद्यापीठ बस सही पूरी मुंबई की है। पहले तो पूरे मुंबई के दिख रहे हैं कॉलेजेस आपको, कहाँ के चाहिए। नागपुर का दिखा दूँ कट ऑफ, तो नागपुर गवर्नमेंट, चलो इसका डाउनलोड कर लेते हैं नागपुर गवर्नमेंट का और वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो नागपुर का देख लो आप, सिविल 84 से चालू हो रहा है, कम है भाई। सिविल और मैकेनिकल पूरी घुस गई है ज़मीन में, ब्रांच कुछ भी कट ऑफ नहीं है सिविल और मैकेनिकल का। ठीक है, इस बार का है ये, ठीक है 2022-23 देख लो भाई, मैं क्या झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो 2022-23 मतलब इस साल का अभी आ रहा है नया, ठीक है अलॉटमेंट, तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको कॉलेज वाइज। धोले पाटिल कॉलेज इंजीनियरिंग, ठीक है ठीक है। और बताइए आप लोगों को किसको अच्छा मिला कोई कॉलेज। इसका देखो कट ऑफ भाई कम ही है, ये मिल भी जाता था गवर्नमेंट सिविल मिल रहा था, लेकिन बच्चों को सिविल लेते नहीं बच्चे, इसलिए कम परसेंटाइल वालों को भी सिविल मिल गया यहाँ पे गवर्नमेंट में। इधर वैकेंट भी दिखा रहे हैं सीट, सिविल इंजीनियरिंग का दिखते ही नहीं अपने को। अपने को क्या दिखना है, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और CS कंप्यूटर साइंस, तो आ गया कंप्यूटर साइंस। देखो 98.55 पहला ही बच्चा, 2430 रैंक, लाखेंश शौर्य पवन 98.20। लास्ट की सीट देखने आपको कट ऑफ जो है लास्ट में देखते हैं हम कितना मिल रहा है। OBC मेल कैंडिडेट ये देखो 94 दिख रहा है आपको, OBC फीमेल 94, और थोड़ा आएंगे नीचे तो और भी पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो OBC फीमेल 96.70 है, OBC मेल 95.58, मतलब ऐसे समझ के तो 95 के आसपास कट ऑफ आ रहा है इसका कंप्यूटर साइंस के लिए। EWS वाले कैंडिडेट्स ये है यहाँ पे, और एक तीन TFWS वाले, तीन कौन से कैंडिडेट्स है TFWS वाले, तो TFWS वाले में 98.22 आ रहा है यहाँ पे, 97.90, 97.69। इतना खतरनाक भाई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। अरे कैसे करेंगे आप लोग। ये देखो इलेक्ट्रिकल का कम आ गया, इलेक्ट्रिकल में यार कोई एडमिशन ले ही नहीं रहे क्या बच्चे।
सडनली मतलब बच्चे पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिकल नहीं ले रहे, सब लोगों ने छोड़ दिया इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नहीं चाहिए बोलते। ठीक है कोई बात नहीं। और कोई ब्रांच है आईटीआई इसमें? इलेक्ट्रिकल का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का देखो 97 पे पहला सीट, 97, फिर 94, 93, 93, 92, 91, अरे रहा 87, 87, 86, 91 के लिए 91, अपूर्व हो रही है दिख रहा है कैंडिडेट। ठीक है मतलब लगभग यार सेम ही है, गवर्नमेंट का कट ऑफ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा। बाकी ब्रांचेस के आपको देखना भी नहीं है, ENTC देख लो, CS देख लो, ख़त्म करो। मैकेनिकल का तो कम ही है, ये देखो किसी को भी मिल रहे मैकेनिकल ब्रांच। SC वाले को तो मतलब यहाँ पे मेल कैंडिडेट को नहीं, फीमेल फीमेल दिख रहा है, 64 पे मिल गया। चलो इसका हो गया काम, खत्म कर देते हम, दूसरा वाला कर लेते। और नेक्स्ट कॉलेज और बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, कौन सा कॉलेज का देखना है? रामदेव बाबा का टॉप देखना है, रामदेव बाबा, रायसोनी? चलो रायसोनी का देख लेता हूँ पहले मैं, बाद में रामदेव बाबा का देख लेता हूँ। रायसोनी का देखो सिविल के लिए कट ऑफ, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, अनएडेड है, प्राइवेट है, तो आप देख सकते हो ये सिविल का है, सिविल का दिखना भी नहीं है हमको, हमको पता है सिविल में वैसे भी सीट खाली है, यहाँ पे सिविल लेते नहीं बच्चे कोई भी कॉलेज में, तो सिविल को मारो गोली। अब चलेंगे हम मेन ब्रांचेस की तरफ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और स्टार्टिंग ही 94.71 से हुए नागपुर में, यस। उसके बाद चलो यार देखो चलते रहेगा 93, 92, 92, 93, 92, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है यहाँ पे। हर्षल ही, हर्षल बोल रहा है YCC नागपुर, हाँ YCC अच्छा है नागपुर का। इधर देख लो 91, 90 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्टेट लेवल के हिसाब से सीट भरी जाती है यहाँ पे, मतलब अलॉटमेंट हुई है, स्टेट रैंक रहता है इनका बच्चों का, तो देखो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई है इधर, 90, 90, 90, 98। OBC कितना आ रहा है यहाँ पे, मेल का OBC 89.52 पे आ रहा है, कात्रे विवेक, और OBC फीमेल 86.34 पे आ रही है, सीट तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। OBC मेल कैंडिडेट 81.63, और नीचे जाएंगे हम पता चलेगा कहाँ पे आ रहा है, 80.80, 80, 80, 80। OBC 79 पॉइंट, फीमेल कैंडिडेट है तो 80 पे आ रहा है यहाँ पे। ओपन मेल कैंडिडेट 77.84, उसके बाद 77, 77, कंप्यूटर साइंस की लिस्ट है ये। देखो यहाँ पे जितने सीट्स थे ना, तो 129 तो हो चुकी है ऑलरेडी, 129 माइनॉरिटी सीट्स टू अलॉटेड टू द माइनॉरिटी कैंडिडेट, टू माइनॉरिटी। फिर उसके बाद JEE का स्कोर था, JEE के परसेंटाइल पर ये कॉलेज मिला है कुछ कैंडिडेट्स को, वो भी दिखा है यहाँ पे। कितने सीट्स हो गए CS के? 144 सीट्स ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे,
144, 144 सीट सीएस के, और ये टीएफडब्ल्यूएस के कितने हैं, 9, 9 सीट टीएफडब्ल्यूएस के। आप सोच सकते हो भाई कितना खतरनाक काम हुआ है यहाँ पे, और इतना धारा कट ऑफ 98, 95 वाले बच्चे ले रहे हैं यहाँ पे। यस, तो ऐसा मत समझना रायसोनी को हल्के में मत लो, रायसोनी भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आईटी का भी देख लो कट ऑफ, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है आईटी का भी। ये देखो 87, 87, 88। आईटी में भी अच्छा खासा जा रहा है। उसके बाद हम चले जाएंगे ENTC ब्रांच। आईटी के ये जो है TFWS की सीट है 9, और सभी हाई परसेंटाइल है सबके, 90, 91, 92 वाले परसेंटाइल। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इसका भी कट ऑफ ज़्यादा आया है, ये भी अच्छे कैंडिडेट्स को ही मिली है ब्रांच। माइनॉरिटी का यहाँ पे कोटा होता है, तो उसी हिसाब से सीट्स भरे जाते हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए तो ये देखो, ये जो सीट है वो TFWS के 3 सीट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके भी मार्क्स परसेंटेज अच्छे हैं, कुछ सीट वैकेंट है तो नेक्स्ट राउंड के लिए। मैनेजमेंट सीट है लेकिन ये इंस्टीट्यूट लेवल की, ये बच्चे ले सकते हैं जिनको लेना है ये कॉलेज। VJNT कैटेगरी दिखाओ क्या, कॉलेज वाइज अलॉटमेंट है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का तो बहुत सारे बच्चों ने डाला नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल मैं नहीं दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन देख लेते हैं अभी पहले, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का देख लो, 85.25 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, 60 सीट है। दिव्या, कुछ बच्चों के नाम पढ़ लेता हूँ मैं, यावलकर भूषण, ठीक है, और तानपुरे, बहुत सारे बच्चे, 80, 79, 79.53, 79.47, सावलकर। मेरे भी स्टूडेंट का लगा है, देखो भाई 25 नंबर पे लगा है, ये हमारा स्टूडेंट है, इसको मिला है 78.66% कुरेशी रजा, तो इसको ओपन की सीट अलॉट हुई है, OBC कैंडिडेट है, 25 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट रैंक है उसके हिसाब से, तो ये कॉलेज आया है। उसके नीचे अभी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जिनको कम परसेंटेज पे भी ये कॉलेज मिल जाता है, तो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है कुछ। और ये जो ये होते हैं इधर, ये मैनेजमेंट की सीट होती है, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी जो सीट्स है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को ही मिलती है, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिलती है, जनरल सीट्स नहीं होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 3 सीट जो है TFWS में आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आया है, बाकी ब्रांच है, और यहाँ पे AIDS,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस वो भी चेक कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा ब्रांचेस है ये कॉलेज में। फिर YCC का भी कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, YCC का वो भी दिखा देता हूँ तुरंत कुछ देर में। मैकेनिकल में तो कुछ है ही नहीं यार, कोई स्कोप नहीं है, तो मैकेनिकल का दिखा के कोई फ़ायदा है ही नहीं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये है एक ब्रांच, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ आपको दिख रहा होगा 25 सीट तो इधर ही चले जाते हैं। स्टेट लेवल कितने हो रहे, 28, 30 तक के है, 30 तक के सीट्स हैं, और यहाँ पे आ रहा है 84.98 कट ऑफ। फिर आते हैं हम माइनॉरिटी की तरफ, तो माइनॉरिटी से कम हो जाएगा, माइनॉरिटी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है, तो माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप सीट है ये, तो इनका कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, तो ये मिल भी जाती है। और रायसोनी में ऐसा एक पैटर्न है, तो भाई उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो ये भी नहीं मिली ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस TFWS, उसका भी ज़्यादा गया कट ऑफ। अब देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आप देख सकते हो कट ऑफ 14 सीट पहले हो गए फुल, 84 पे डाउन, ठीक है। फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स उनको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, उनको तो लक अच्छा है उनका, मतलब कट ऑफ तो हाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कट ऑफ हाई नहीं। डेटा साइंस देख लो 89 से चालू हो रहा है, 89% से डेटा साइंस, और इधर भी लग गए वाट सबकी 82 83। स्टेट लेवल सीट्स 20 सीट्स 82 पे क्लोज हो गए, माइनॉरिटी सीट फिल चालू, तो इस हिसाब से तो कंपटीशन तो बहुत हाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच 120 सीट है, माइनॉरिटी के 61 है, और स्टेट की मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 40 सीट है सिर्फ, 40 में ही कंपटीशन रहेंगे यहाँ पे, तो 40 सीट के लिए कंपटीशन, देखते हैं हम 40 नंबर की सीट भाई कितने पे मिल रही है, किसको मिल रही है 40 नंबर की सीट, देखते हैं हम कितने परसेंटेज जा रहे हैं। 79.86 सावरे से जल, 40 नंबर की सीट देखो 79.86 पे जा रही है। सीट टाइप ओपन, ओपन में ही आते हो सीट सभी, तो रैंक वाइज रहता है इनका काम, ठीक है। तो ये होगा इसका कट ऑफ, मैंने बता दिया आप लोगों को, एक गवर्नमेंट अमरावती का था, एक इधर का था, राहुल चौधरी रायसोनी मिला है सर, CSE अच्छा है राहुल रायसोनी, संतोष अवते सर 10 के लेक्चर कब लेंगे बाद में, CPC इंजीनियरिंग कॉलेज। रायसोनी का तो काफ़ी अच्छा है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ अपने को देखना है यहाँ पे, एक मिनट, नागपुर का कौन सा देखना था, रायसोनी देख लिया, वैनगंगा इंजीनियरिंग KDK, YCC यशवंत राव चौहान मिल गया 4167 कोड, तो नागपुर का ये YCC सिविल ब्रांच देखना ही नहीं ना, चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे हम, सिविल नहीं देखना है बोलते बच्चों को, तो आगे बढ़ेंगे भाई, चलो 125, एक मिनट, सिविल को छोड़ के बाकी ब्रांच चालू कर देंगे हम, सिविल को मारो गोली। सिविल ब्रांच वैसे भी बच्चे ने डाले नहीं है, कुछ बच्चों ने डाले थे जिनको लेना था, आगे के प्रोसेस का बताइए सर। देखो आगे के प्रोसेस कैसा है कि आगे आप लोग एक तो फ्रीज कर सकते हो, आपको अगर चाहिए होगा वो कॉलेज तो फ्रीज कर लो, या फिर बेटरमेंट ऑप्शन ले सकते हो आप, फ्लोट ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट राउंड करना है तो और बेटर चॉइस आपके पास रहेंगी,
ट्राई करना चाहिए आपने नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों को ब्रांच वाइज भी ये चाहिए। देखो तो ये है यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग YCC नागपुर। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, पहले समझ लो इसका, पूरे के पूरे 78 सीट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट, मतलब MSTCET जिन्होंने दिया है तो उसके हिसाब से मिलेंगे 78 सीट। ऑल इंडिया सीट जो है 18 है, इंस्टीट्यूट वाइज सीट 24 सीट जो है इंस्टीट्यूट वाइज है। तो अपने को ये 78 देखना है, 96 जो कैप सीट जो है 96 आ रहे हैं यहाँ पे कैप के थ्रू, और 24 जो है यहाँ पे इनका खुद का कोटा होता है, ठीक है, घर का मतलब उनके इंस्टीट्यूट का। तो पहले जो है 97.35 है कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे बच्चा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। हम लास्ट की सीट देखेंगे किसको मिला है और कितने परसेंटाइल पे है। 78 बोला था ना यहाँ पे, 78 बच्चों के लिए, तो 78 नंबर का देख लेंगे हम। 78, एक मिनट, ये ऊपर सर ये PW वाला है, मतलब PWD कैंडिडेट के लिए। रायसोनी कैसा है? रायसोनी अच्छा है कॉलेज। देखो तो ये YCC बेस्ट है यार, देख लो आप लोग। यहाँ पे SC फीमेल कैंडिडेट, SC फीमेल कैंडिडेट का है 91.45, वाह बहुत ज़्यादा। OBC का तो है 93 पॉइंट, भाई सोचने वाली बात है, खतरनाक खतरनाक। और यह है JEE मेन के, तो ये YCC का है, देख लो। फिर आप बोलते हैं कि भाई कट ऑफ नहीं है YCC में, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब क्या कट ऑफ क्या पुणे में रहेंगे? इधर भी तो है कट ऑफ, नागपुर के भी कॉलेज है अच्छे, कट ऑफ इधर भी है बेटा 99 पॉइंट। ये कैंडिडेट देखो, ओ भाई 886। और ये बच्चा है TFWS कैंडिडेट, मौर्य दर्पण राकेश, तो इसका देखो 99.4060, 97 पॉइंट। ये बच्चा इंगे 97 पॉइंट। ये मतलब देखो ऐसे भी कैंडिडेट्स है कि नागपुर में YCC में कंप्यूटर साइंस लेने वाले के जिनका परसेंटेज इतना हाई है तो भी ले रहे, मतलब समझ सकते हो आप लोग क्या क्रेज है CS का। IT के भी बच्चे देखो 94 से चालू हो रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ। अलॉटमेंट हुई है सीट, देख लो भाई बहुत अच्छा है यहाँ पे काम मिल रहा है। YCC ले लो, स्टेट लेवल कैंडिडेट्स। कट ऑफ जो है हाई जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, IT का है ये, हमको ENTC भी तो देखना है, ये IT के स्टूडेंट्स हैं। थक गया मैं देख देख के भाई, पैर भी गया अपना। एक मिनट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 94, 120 सीट, 96 कैप राउंड वाले हैं सीट्स, बाकी बचे हुए जो रहते हैं उनके खुद के रहते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कट ऑफ, इधर भी हाई जा रहा है कट ऑफ, हर जगह पे हाई कट ऑफ है। और कुछ कॉलेज देख लेते हैं हम बाद में, पहले ये इसका थोड़ा सा देख लेते हैं पहले क्या चल रहा है। तो कंप्यूटर साइंस डिजाइनिंग ये 95.77, लो भाई बहुत ज़्यादा हो गए। तो ENTC भी देखना है बच्चों को, ENTC देख लेते हैं। और नई ब्रांच है उसका भी कट ऑफ देखना है यहाँ पे, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये YCC का कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छा है यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा है। किसी को और दूसरे कॉलेज मिले होंगे तो बताओ मुझे, इससे हट के कुछ कॉलेज मिले होंगे तो बताओ। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर 90 पॉइंट, चलिए इसमें थोड़ा कम आ जाएगा बच्चों का, 78 वगैरह आया है। मुझे यहाँ का ENTC देखना है पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर है, मुझे क्या देखना है ENTC। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर नहीं देखना अपने को, ENTC देखना है। ENTC दिखाओ जल्दी जी। हाँ ये देखो आ गया। ओ भाई 180 सीट का इंटेक है यहाँ पे, 144 कैप सीट, 117 जो है स्टेट वाली सीट्स अपनी, ऑल इंडिया लेवल की 27, इंस्टीट्यूट वाइज 36, 92 से चालू हुआ इधर। चलो देखो देखो 117 सीट है यहाँ पे। उर्कुड़े सुहानी यहाँ पे OBC की सीट मिल रही है इसको 84 पे, ENTC का ही है। हाँ ठीक है, OBC इधर 83, OBC फीमेल, OBC मेल 83.68, SC 80 पॉइंट फेयर आ रहा है, SC फीमेल 80.53, तो ज़्यादा ही जा रहा है इधर भी, 80 के ऊपर ही है। ENTC का भी कितना ऊपर है, 80 के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन TFWS के है ये, 9 बच्चे 9 स्टूडेंट्स को TFWS। इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारे बच्चे डालते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डालते हैं। तो देखो भाई मतलब ऐसा कट ऑफ है, मजाक लग रहा था तुम लोगों को। और नई ब्रांच का देख लेते हैं, नई ब्रांच दिखाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी दिखाओ नई ब्रांच। सब रुको थोड़ा सा वेट करो, ये देखो नई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये वाली एक ब्रांच है यहाँ पे, नई ब्रांच नहीं है लेकिन हाँ ये पुरानी है। इसका देख लेते हैं हम, इसका तो बहुत ज़्यादा है कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनका 90% से कम होता है फिर उनको चाहिए ब्रांच। EWS के लिए 6 सीट है, ये TFWS वाले होते 3 सीट, और आप देख सकते हो 95, 94, 94। वाह, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये नई ब्रांच है इस बार की, और इसमें आप देख सकते हो पहला कैंडिडेट 93.47 पे आया है, फिर दूसरा तीसरा चलते हैं नीचे नीचे नीचे। OBC में मेल नागपुरी यश 89.23, मेल 88.53, शांतनु OBC 19 सीट्स, OBC मेल 88.25, झाड़ू पीयूष, उसके नीचे और आ जाएंगे हम, कुछ है
और इधर JEE की सीट्स है, तो अपने को यहाँ से देखना पड़ता है। देखो 87 पे OBC, SC का कैंडिडेट मेल 86.20, EWS के आप देखो यहाँ पे 6 सीट है, और TFWS की भी देख लेते हैं हम, 3 सीट, और तीनों की तीनों 92, 91, 91 हाई कट ऑफ फिर से। तो ये हो गया अपना, इसका किसका है ये, कौन सी है भाई, हाँ रायसुनी हो गया, YCC हो गया। अब कौन सा कॉलेज देखना है किसी को, बजाज इंस्टीट्यूट वर्धा, तो बजाज का भी देख लेते हैं हम क्या हाल है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे देखो 80 पे भी मिला है किसी को, सिविल में कौन ले रहा है 80 पे। ये कम परसेंटाइल पे लगे हुए बच्चे कुछ, और कुछ जगह खाली भी है यहाँ पे बहुत सारी। उसके बाद CS ब्रांच सिविल का, तो चलो मतलब इतना कुछ क्रेज नहीं है तो फिर मिल जाएंगे। कंप्यूटर का आप देख सकते हो 91.97 से चालू हो रहा है यहाँ पे, और जो सीट जो है ना महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, टोटल इनटेक देखो 120 का है, बट कैप की सीट से यहाँ पे उसमें से जो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स है उसको 30 है, माइनॉरिटी सीट 61 है, ज़्यादा है। ऑल इंडिया मतलब JEE की सीट 5, इंस्टीट्यूट लेवल पे 24 सीट्स है बजाज की, ठीक है। और कहाँ गए भाई, हाँ चलो नीचे, हाँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग देख लो आप लोग कैसे खतरनाक मार्क्स है बच्चों को। अरे ये तो अपने स्टूडेंट्स है सृष्टि ठाकरे, 86 पर लग गया इसका नंबर, 86 था इसको परसेंटेज 0.4। और बाकी बच्चों को अच्छे हैं मतलब इधर परसेंटेज तो 80 के ऊपर ही है, 80, 92, 88, 86। फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है यहाँ पे, बजाज में, बजाज कॉलेज अच्छा है यहाँ का वर्धा का। बाकी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स और कुछ इंस्टीट्यूट लेवल की भी सीट्स रहती है, वो अलॉट हो जाती है कम परसेंटेज वालों को। और ये ऑल इंडिया मतलब JEE का स्कोर है, ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से ये मिलता है। और ये TFWS वाले हैं ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे, और इलेक्ट्रिकल भी काफ़ी अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे ने एडमिशन लिया है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी सीट खाली भी है यहाँ पे। तो मेन क्या है यहाँ का, CS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, चलिए इसको क्लोज मार देते हैं अभी हम। और कोई कॉलेज देखने आपको, और बताओ
किसी को दूसरा कॉलेज कोई देखना होगा तो जल्दी जल्दी बताओ। COEP कहा गया, देखो COEP। ये कौन सा है? COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है ये, 328 रैंक सिविल का ही है, सिविल ब्रांच जो बच्चन लिया है वो उनका कट ऑफ है। सिविल का अपने को देखना नहीं है, अपने को देखना है सीधा दूसरे ब्रांचेस। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 100% टाइल काड़े सचित, इधर का भी 99 पॉइंट। वेट करो थोड़ा, उसके बाद देखते हैं हम और कुछ। ये तो CS वालों का है, रैंक आप देख सकते हो इनका। वेट करो, मेरिट नंबर देखो, पहला मेरिट नंबर, दूसरा, तीसरा, तो ये फर्स्ट मेरिट है, सेकंड मेरिट कुलकर्णी काड़े सचित मोरेश्वर, तो ये बच्चा है टॉपर CET का। बाकी सीट देख लो आप लोग तो, कितने परसेंटेज पे क्लोज हो रहा है, 99.8282, 99, 99, 99, पूरी लिस्ट ही 99 की है। जितने सीट्स है तो भी मतलब देखो, और JEE का स्कोर ऑल इंडिया लेवल का ये भी 99.8383, 99.75। तो भाई इधर भी मतलब देखो COEP का यही माहौल है। और थोड़ा आगे जाते हैं हम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग EWS, ये EWS का है। इलेक्ट्रिकल कौन सी ब्रांचेस देखना है आपको, देख लो जल्दी जल्दी। इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट जो हुई है ना वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको पता चले कौन से कॉलेजेस में कितने परसेंटाइल पर एडमिशन मिले हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी 12th में होंगे अभी इस साल में, वो भी देख सकते हैं भाई कैसा कट ऑफ रहता है, इतना मेहनत करना पड़ता है तब जाके कोई अच्छा सा कॉलेज मिलता है। इतना आसान नहीं होता, बच्चों को लगता है सब मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता भाई। देखो ऐसा है, इतना खतरनाक काम है, इधर कट ऑफ इतना खास रहे कि कोई आसपास भी नहीं रहता इसके, जो बच्चे डिजर्विंग है वही आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का कट ऑफ इतना हाई है, CS का भी भाई पूछने के लायक नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कैप 38 सीट्स है, ऑल इंडिया 8 एंड महाराष्ट्र स्टेट की 30।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, नाम पढ़ लीजिए आप, 99.18 वगैरह, 125, इधर भी 99 के ऊपर ही है परसेंटेज। आदित्य शरण, पिंटो गौरव, अथर्व गुरव, अथर्व दामलेश, श्रुति, नाइनटीन सीट्स, 95 वाले भी है इधर। हाँ लेकिन हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा कैटेगरी वाइज रहता है ना, कम बच्चे कम परसेंटेज वालों को भी मिला है यहाँ पे, और ऑल इंडिया लेवल की सीट मतलब JEE की सीट होती है। और दूसरे बेंचेस देखते हैं हम। JEE की है और एक TFWS आता है। नाइन्टी एट पॉइंट एट एट पे मिला है यहाँ पे, 98.67 पे मिला है, लेकिन TFWS है सीट। कैंडिडेट टाइप कैटेगरी टाइप ओपन, 98.88 या 98.67, और रैंक 1843 और 2210। ये TFWS के होते हैं सीट नीचे दी हुई। मैकेनिकल के भी अच्छे खासे हैं यहाँ पे। नाइन्टी सेवन पॉइंट थ्री वन पे मैकेनिकल मिला है, फीमेल कैंडिडेट OBC। और दूसरे ब्रांच देख लेते हैं हम, कोई और ब्रांच है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, मैकेनिकल से नीचे आ जाओ। हाँ मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, 75 सीट, 60 जो है महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे इनके लिए रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो आप लोग। 97, 96 दिख रहा है यहाँ पे। ओपन फीमेल 96.81 पे भी आया है यहाँ पे। कम परसेंटेज वाले बच्चे भी है इधर, 94 वाले भी है। तो सबसे कम कट ऑफ जो है ये ब्रांच का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वालों का। और मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का तो ठीक है, मतलब कट ऑफ तो कम ही है, बट थोड़ा और भी कुछ चीज़ें डिटेल में समझाना चाहूँगा। देखो ब्रांच वाइज सोचो आप, कॉलेज वाइज मत सोचो। मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसका भी जो कट ऑफ है थोड़ा कम है, बच्चे ऐसी ब्रांच ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इनके कट ऑफ जो है ना कम आते हैं। COEP नाम कॉलेज का ठीक है, बट ब्रांच भी तो देखना पड़ेगा ना आप लोगों को, ऐसा नहीं। अब मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। COEP अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये